हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में अगर आपको ट्यूब ऑयल रजिस्टर करवाना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे ये जो लिंक मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसमें क्लिक करके आप इस पेज में आ सकते हैं। इस पेज में आकर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप एक सिलेक्ट लैंग्वेज टैब पाएंगे, जिसमें क्लिक करके आप इस पेज को अपने सुविधा अनुसार भाषा में देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट किया है तो इस पेज में आप देख सकते हैं सारी जो जानकारी है वो एक साथ इकट्ठा करके आपको दिया गया है कि आप एक ट्यूबवेल रजिस्टर करने के लिए कैसे आवेदन करेंगे। दो उपाय से आप अपना ट्यूब ऑयल रजिस्टर कर सकते हैं। एक है व्यक्तिगत रूप से, दूसरा है ऑनलाइन आवेदन से। और दोनों के लिए ही आपको आवश्यक दस्तावेज चाहिए। और यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से संपर्क के लिए या आवेदन के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, उसके साथ संपर्क लिंक भी है। इसके अलावा पात्रता, फीस, वैधता वगैरह सब कुछ यहाँ पे इस पेज में मौजूद है। इसको आप स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं या ऊपर छोटे टैब्स हैं उसमें क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आवश्यक दस्तावेजों में देखिए, पूरा आवेदन पत्र, वेरिफिकेशन रिपोर्ट और आपका जो जिस एरिया में आप ट्यूब ऑयल करना चाहते हैं उसका स्केच मैप लेकर आपको रेवेन्यू इंस्पेक्टर द्वारा साइन करवाना होगा। वो कागज़ चाहिए, एनओसी चाहिए आपके नेबर से अगर आवश्यक हुआ तो, पट्टा या सेल डीड चाहिए और भुगतान की रसीद। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप इस लिंक में क्लिक कीजिएगा तो इस पेज में आएंगे और इस पेज में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनओसी में क्लिक करना है। उसके बाद आप दो ऑप्शंस पाएंगे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको क्रिएट एप्लीकेंट लॉगिन में क्लिक करना है, और रजिस्टर किया है तो एप्लीकेंट लॉगिन में क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ एप्लीकेंट लॉगिन में क्लिक कीजिएगा तो इस पेज में आएंगे। इस पेज में यूज़र नेम, पासवर्ड और इस कैप्चा के ज़रिए लॉगिन करेंगे। और यहाँ से भी अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो इस पेज से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ न्यू यूज़र रजिस्टर में क्लिक करके, इसमें क्लिक करके आप इस पेज में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना टाइटल सिलेक्ट करना है, नाम, आपका ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम में यहाँ पे आप यूज़र नेम का अवेलेबल है कि नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, उस ईमेल एड्रेस को फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि उस मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी जाएगा जिसके ज़रिए आप वेरिफिकेशन करेंगे। एड्रेस देना है, स्टेट यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड और डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट करना है, आपका जेंडर और यहाँ आईडी प्रूफ में आपको पैन कार्ड ही सिलेक्ट करना है और आईडी प्रूफ का यूनिक नंबर यहाँ पे डालना है और उसी आईडी प्रूफ का स्कैन किया हुआ कॉपी जो कि जेपीजी या पीडीएफ फाइल में होगा और 300 केबी के अंदर होगा वो यहाँ पे आपको डाउनलोड यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद प्रोसीड बटन में क्लिक करना है।
उसके बाद आप अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ इस पेज में आएंगे और यहाँ पे इस कैप्चा बाकी यूज़र नेम पासवर्ड और कैप्चा के साथ आप अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आपको अप्लाई बटन में क्लिक करना है और उसके बाद आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको आप अपने जो आवश्यक है उसके अनुसार आपको चूज करना है कि आप कौन सा विकल्प चाहते हैं। एक होगा माइनिंग, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल। तो ज़रूरत के हिसाब से आप ऑप्शंस चूज करेंगे और उसके बाद सेक्शंस आएंगे बहुत सारे, उन सभी को फिलअप करके सेव एज ड्राफ्ट करते जाइएगा। और उसके बाद जब बारी आएगी अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो उनको आप साइन और सील करके स्कैन कीजिएगा। करने के बाद वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि फाइनल सबमिट के बाद आप और एडिट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और आपको एक जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट कर दिया जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड हो जाएगा रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स के पास और आपको कोई भी हार्ड कॉपी जमा नहीं करना है, उसका आवश्यकता नहीं है। और 30 दिन का समय रहेगा आपका ये आवेदन पूरा होने में। उसके अंदर आप अपना जो आवेदन है उसकी स्थिति अगर जानना चाहते हैं तो उस आवेदन नंबर एप्लीकेशन नंबर के साथ यहाँ पे इसके पेज में आकर आप ट्रैक योर एप्लीकेशन ऑनलाइन ट्रैकिंग में क्लिक कीजिएगा और आप स्टेटस कॉलम में व्यू कर सकते हैं आपका या ट्रैक कर सकते हैं आपके आवेदन की स्थिति। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है आज के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।